What's up everybody and welcome to AutoGrip. Let me introduce you to the most worst phone making company ever I've ever seen. इस टाइम आपको स्क्रीन पे एक अलग बॉक्स नज़र आ रहा है जो जिस पर टेक्नो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है. इसको वर्ड्स कहने का रीज़न जो है मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं इसको वर्ड्स क्यों कह रहा हूँ. इसके अलावा ये फ़ोन मैंने ख़रीदा था तकरीबन एक साल पहले. तो हमेशा याद रखिएगा जिस फ़ोन का या जिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का आपको रिव्यू दिया जाता है वो हमेशा कुछ टाइम इस्तेमाल करने के बाद ही दिया जाता है, वरना कभी भी आप फर्स्ट यूज़ में आप चीज़ का रिव्यू सही से नहीं बता सकते कि वो चीज़ चलने में कैसी है या उसका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है. तो खोलते हैं इसका बॉक्स के बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. ओके सो व्हाट्स इन द बॉक्स, बॉक्स खोल के देखते हैं. इसमें हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो है सबसे पहले आपका एक अदद टेक्नो का फ़ोन जो कि टेक्नो 6 Spot 6 Go Edition है. इसके अलावा बॉक्स को आप मज़ीद फर्दर खोलते हैं तो आपको एक अदद जो है बैक कवर मिल जाता है लाइक दिस. इसके अलावा आपकी एक हैंड फ्री या एयरफोन और आपके जो है वो एक अदद डेटा केबल और एक अदद डॉक मिलता है जो कि डॉक मैं मिस कर चुका हूँ अभी तक. तो ये इसकी केबल की क्वालिटी जो आपको दिखने में स्क्रीन पर नज़र आ रही है. इसके अलावा ये वो एयरफोन्स हैं, ये एयरफोन्स की क्वालिटी इतनी बुरी है कि आप इसको कुछ टाइम में यूज़ करें तो ये आपके कान में दर्द कर देता है, जो कि तकरीबन एयरपॉड्स एप्पल के जो एयरपॉड्स आते थे उस स्टाइल के बनाए हुए. इसके अलावा इसके बॉक्स में हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो है इसकी एक वो है हमें कुछ बुकलेट्स जो कि फ़ोन के यूज़र गाइड या यूज़र मैनुअल कह सकते हैं. यहाँ पर आपको सेफ्टी इन्फॉर्मेशन की एक बुक मिल जाती है. देन इसके अलावा हमें जो वारंटी कार्ड मिलती है इसकी वारंटी जो है वो 13 मंथ्स की आती है, जिस तरह आपको यहाँ पे 12+1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है. और सबसे अच्छी चीज़ जो है इसकी वारंटी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वारंटी है, जब आप फ़ोन ऑन करते हैं तो आप ई वारंटी कार्ड इसमें सेटिंग में जाके क्लेम कर सकते हैं. तो अब आते हैं फ़ोन की तरफ और फ़ोन का हम अनरैप करते हैं. याद रखें फ़ोन जो है एक साल पहले ख़रीदा था और एक साल से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब भी मैं इसका आपको रिव्यू इतना शोर होकर बता रहा हूँ. फ़ोन को हम सिंपली अनरैप करते हैं. ये हमारा फ़ोन है टेक्नो का. तो याद रहे कि इस कंपनी को मैंने मोस्ट वर्स्ट कंपनी के बारे में एक खिताब दिया है. तो ये इसका विजुअल है जो कि ग्लॉसी लुक में है पीछे से. ये इसके डुअल कैमरा, एक अदर आपको फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाता है. आपके फ्रंट स्क्रीन जो कि नॉच स्टाइल में है. इसके अलावा आपको 3 बटन मिल जाते हैं तो इसको करते हैं पावर ऑन. तो पावर ऑन होने में भी ये थोड़ा सा टाइम लगा जाता है. और याद रहे कि इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो गो एडिशन है. एंड्रॉयड में 2 एडिशन आते हैं, एक जो कम्प्लीटली एंड्रॉयड होता है और दूसरा गो एडिशन उन फोन्स के लिए होता है जो कि चलने में थोड़ा स्लो होते हैं या जिनकी मेमोरी वगैरह जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नोकिया C1 भी इस टाइम मौजूद है, दिस वन, जो कि गो एडिशन में है. लेकिन नोकिया इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो. तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा कि एंड्रॉयड गो एडिशन. और ये फ़ोन खुलने में जो है बहुत ज़्यादा देर लगा देता है. ओके इट्स बीन अराउंड 2 मिनट्स और ये फ़ोन अभी तक आपके सामने है कि लोडिंग स्क्रीन पर ही अपनी. जो आपकी एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो कि मेरा नोकिया C1 है. इस फ़ोन की क्वालिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसकी प्लास्टिक क्वालिटी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है. अगर उसको मैं टर्न करने की कोशिश करता हूँ तो इतनी आसानी से टर्न नहीं होता और मुझे हार्ड प्लास्टिक की फील महसूस हो रही है. जबकि इसके अलावा टेक्नो जो कि 2020 में ही रिलीज़ हुआ था और इसकी प्लास्टिक क्वालिटी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ, यहाँ पे आपको कलर्स भी आपको साइड पे नज़र आ रहे होंगे, ये इनकी बिल्ड क्वालिटी है. और इसकी फ़ोन प्लास्टिक क्वालिटी इतनी हल्की है कि मैं इसको आराम से थोड़ा सा टर्न करूँ तो ये आसानी से टूट सकता है. तो इसकी आवाज़ से ही आपको फील होगा. सेकंड एक जो चीज़ है वो है इसके फिंगरप्रिंट की प्रॉब्लम. ये इसकी बैक साइड है, इसके अंदर 5000 mAh की जो बैटरी आती है. इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत बेहतर है क्योंकि ये फ़ोन जो है ब्रांड न्यू है और ये डुअल सिम फ़ोन है जिसके अंदर मेमोरी कार्ड स्लॉट आपको दी जाती है. और बैटरी जो है वो इंटरनल है तो अगर आपको बैटरी कभी निकालनी पड़ जाए तो पूरा फ़ोन खोलना पड़ता है इसके चक्कर में. ओके हमारा फ़ोन हो चुका है ऑन. याद रहे ये फ़ोन जो है 2 किस्म की मेमोरीज में आता है, एक 2GB 32GB और दूसरा जो है वो 4GB 64GB. तो इसके अलावा आपको यहाँ पे मेन्यू का बटन मिल जाता है. इसके अलावा बहुत सारी इसमें एप्लीकेशन अभी चल रही हैं. इसकी कैमरा क्वालिटी जो है बहुत बेहतर है, इसको बहुत अच्छा नहीं कह सकते लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जो मैं आपको आगे बताऊँगा. तो ये इसकी कैमरा क्वालिटी है. इसके अलावा इसमें ब्यूटी मोड मौजूद है. इसके अलावा इसमें आपको ये बुके का कोई ऑप्शन मौजूद है जो कि मैं नहीं जानता कि इससे होता क्या है. सेंड इसके अलावा जो है वो पैनोरामा जो कि आपको नॉर्मली आईफोन वगैरह में मिल जाता है.
और एक और ऑप्शन जो है इसमें वीडियो का है। तो इसकी वीडियो क्वालिटी दिखने में आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, बट जब आप इसको स्क्रीन पर ले चलाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो मैक्स जो है वो 1080 पिक्सल्स पर है, ये 4K ये रिकॉर्ड नहीं कर पाता। और इसमें एक बुरी चीज़ ये है कि जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और वीडियो जब आप इसको प्ले करते हैं बाद में, सॉरी आपको वीडियो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हेल्थी महसूस हो रही होगी, इसलिए क्योंकि मेरा जो कैमरा है इसका स्टैंड नहीं है और दूसरा ही गिम्बल में नहीं है अभी। तो इसके फ़ोन की वीडियो प्रॉब्लम ये है कि जब आप वीडियो चलाते हैं इससे रिकॉर्ड करी हुई, तो आपकी आवाज़ जो है, फॉर एग्जांपल आपको मेरी अभी जो आवाज़ फील हो रही है ये आवाज़ बिल्कुल पतली हो जाती है। फॉर एग्जांपल कोई लड़का बोल रहा था तो ऐसा लगता है कि लड़की कोई बोलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इसकी कुछ एप्लीकेशन है जिसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हाई ट्रांसलेट, ये आपको हाई ट्रांसलेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सॉरी एप्लीकेशन दिख रही है। और इसमें बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आप बंद ही नहीं कर सकते, जिस तरह गूगल ड्राइव वगैरह की एप्लीकेशन है। तो अब चलते हैं इसके सेटिंग्स में। सेटिंग में हम जाते हैं एप्लीकेशन मैनेजमेंट, देन एप्लीकेशन सेटिंग्स। तो इसकी कुछ ऐसी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल AHA गेम्स, ये इनकी अपनी कोई एप्लीकेशन है, आई डोंट नो किस लिए, मैं इसको डिसेबल कर चुका हूँ। तो इस तरह इसमें कुछ इसकी एप्लीकेशन जो आपको दिखाना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल ये हाई ट्रांसलेट जो आपको दिखा रहा था, इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ से डिसेबल करना चाहता हूँ, बट मेरे पास इसका ऑप्शन ही नहीं दिया गया, मतलब मुझे इतना एक्सेस ही नहीं दिया कि मैं ये थर्ड क्लास एप्लीकेशन को जो है डिसेबल करना चाहूँ। गूगल मीट है इसमें, और इसके अलावा पाम स्टोर, ये पाम स्टोर आपको यहाँ पर डिसेबल हुआ नज़र आ रहा है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको चलाते हैं फ़ोन का, आप थोड़ी देर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाती है। और इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसे हैं कि जो आपको डिसेबल ही नहीं हो पाते और इसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहती है और नोटिफिकेशन आप डिसेबल ही नहीं कर पाते। इसके अलावा इस फ़ोन का यूज़र इंटरफेस जो है, अभी आपको जो लॉन्चर दिख रहा है वो नोवा का लॉन्चर हुआ है इसमें, जिसका इंटरफेस बहुत बेहतर है। इसके अलावा इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है, और इसमें एक बुरी चीज़ मैं आपको मज़ीद दिखा सकता हूँ, जिसमें आपको फ़ोन मास्टर की इसमें एप्लीकेशन मिल जाती है। तो सबसे पहले जैसे ही आप एप्लीकेशन खोलते हैं, अगर आप वाईफाई से कनेक्ट हो तो ये इस किस्म के चीप किस्म के ऐड आना शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो कि फ़ोन की अपनी है, फॉर एग्जांपल जैसे आईफोन में आपको वॉलेट वगैरह की एप्लीकेशन मिलती है, जब आप वो खोलते हैं तो आपको इस तरह की चीप किस्म के ऐड नहीं मिलते, क्योंकि ये फ़ोन जो है चाइनीज़ मेड है और इसमें बॉक्स पे जो लिखा है वो लिखा है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब ये पाकिस्तान में मैनुफैक्चर हुआ है। तो आपको सबसे पहले ऑप्शन दिख रहा है पावर सेविंग का, यहाँ पर इसको अगर हम हटाते हैं तो इसमें आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। एक जो आपको यहाँ पर चीज़ दिख रही है, देखें ये एप्लीकेशन आ रही है इसमें। अब आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे फ़ोन कूलर का। अब देखें फ़ोन, अब मैं अगर आप हाथ में पकड़ा हूँ इस टाइम, तो ये फ़ोन हीटअप भी नहीं है और नॉर्मल मोड पे ऑपरेट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ये करता हूँ तो आपको एक अजीब सी एनिमेशन दिखती है, जिसमें आपको पीछे से फूल या बर्फ़ गिरती हुई नज़र आ रही होगी। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ कूल डाउन पर, तो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कूलिंग इंजन इज कूलिंग, मतलब इनकी प्रोनाउंसिएशन भी इतनी ख़राब है। उसमें लिखा हुआ है कि 12 हीटिंग का प्रोसेस जो है वो फिक्स हो चुके हैं। तो मुझे पता नहीं कि फ़ोन कब किस टाइम हीटअप हुआ। इसके अलावा जैसे ही कंप्लीट होता है कि इनके चीप किस्म के ऐड आना शुरू हो जाते हैं फिर से। और जितने आप इस फ़ोन को इनकी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे आपको इसमें सिर्फ ऐड ही मिलते रहेंगे। इसके अलावा बूस्टर मोड मौजूद है इसमें, फ़ोन बूस्ट, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो एक अजीब सी एनिमेशन के साथ आपका फ़ोन जो है वो बूस्ट होना शुरू हो जाता है। अब याद रहे कि जितने भी सिस्टम एप्लीकेशन है, अगर आप उसको बूस्ट कर भी देते हैं वो थोड़ी देर बाद दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो इस किस्म के ऑप्शन आपको कभी भी नोकिया में कभी भी नहीं मिलेंगे। तो आईफोन से और इस तरह की, अब देखें आपको फिर से यहाँ पे एक ऐड नज़र आ गया। तो ये फ़ोन जो है असल में यूज़र फ्रेंडली नहीं, लेकिन ऐड फ्रेंडली कह सकते हैं इसको। इसमें इतने ज़्यादा ऐड दिए हैं इसमें, क्योंकि आपको जानते हैं कि जब आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो ऐड जितने आपके पास आते रहेंगे तो कंपनी को उससे इतना ज़्यादा पैसा मिलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर आपको नोकिया C1 का एक फ़ोन दिखाता हूँ, जो कि मैंने एक साल पहले इसके साथ ख़रीदा था, बट इनकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो नज़र आती है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा नोकिया C1 है, मैं इसको यहाँ पर ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये फ़ोन है, इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको अलग से ही नज़र आ रही होगी। नोकिया देखें कभी भी आपको कोई सस्ती चीज़ जो है अच्छी नहीं मिलती, और अच्छी चीज़ कभी भी सस्ती नहीं मिलती। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी जो मुझे एक नज़र आता है, एक टफ़ फ़ोन जो है इसको कह सकते हैं। ये 2 साल 1.5 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूं और आज तक मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं, और ये फ़ोन जो है इस टेक्नो से भी ज़्यादा सस्ता है। तो ये था एक ऑनेस्ट रिव्यू टेक्नो स्पॉट 6 गो एडिशन का, जिसमें गूगल गो एडिशन जो है वो मौजूद है। इसके अलावा एक और आपको जो बुरी चीज़ दिखाऊँ, वो जब फिंगरप्रिंट पर इसको टच करूँगा तो कभी कभी ये फिंगरप्रिंट जो है ये काम ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल आपको ये दिखा रहा हूँ, तो फिंगरप्रिंट मैं पीछे टच कर रहा हूँ बट ये काम ही नहीं कर रहा। तो मुझे नॉर्मली जो है अपना पासवर्ड डाल के ये काम करना पड़ता है।
तो ये एक ऑनेस्ट रिव्यू था टेक्नो स्पॉट 6 गो एडिशन का, जो कि मैंने ख़रीदा था एक साल पहले 14,500 रुपीज़ का, जो कि इसके प्राइस अब बढ़ गए होंगे। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो गिव मी अ थम्स अप एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।